हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली ब्लॉगर सर्विस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी जो है चाय वगैरह मैंने पी ली है, घर की साफ सफाई भी कर ली है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं बना रही हूँ जो मूली के पत्ते होते हैं उनका भुज्जू, क्योंकि हम भुज्जू ही बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आज मैं मूली के पत्तों का भुज्जू बना रही हूँ, तो चलिए फिर उसे बनाना शुरू करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो फ्रेंड्स, ये जो है मूली, ये शाम को लेके आए थे ऑफिस से आती बार, तो ये मैंने धो के रख दी थी और बाहर ही पड़ी थी और इसको जो है अभी ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो पत्ते फिर सूख से जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं बनता है ये भुज्जू। तो अभी जो है मैंने, देखिए, इसको अलग कर लिया है और जो ज़्यादा ही हार्ड इसके डंठल होंगे उनको मैं निकाल दूँगी और जो दूसरे बच्चे जो मतलब सॉफ्ट हैं उनको मैं काट लूँगी। वैसे इसके ज़्यादा जो हार्ड नहीं थे, बस ये ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा मैंने इसका निकाला था और जो है और को बारीक बारीक काट के सब्जी बना ली थी। और इसमें मैंने एक मूली डाली थी। वैसे आप मूली नहीं भी डालना चाहो तो नहीं डाल सकते और अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो यहाँ मैं अभी इसको काट लूँगी बारीक बारीक। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पत्तों को बारीक बारीक काट लिया है और एक मूली मैंने, हाँ, इसमें जो है छिलके डाल ली थी और बिल्कुल बारीक हमें उसको काटना है मूली को। तो यहाँ पे देखिए, ये कट गई है एक मूली और वो पत्ते, और बिल्कुल देसी तरीके से मैं बनाऊंगी जैसे हम बनाते हैं। तो देसी घी में अगर आप इसको बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनता है। वैसे सबका अपना अपना तरीका है और ये यहाँ पे जो मैं अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ वो सिर्फ मेरा अपना जो रहता है वही मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि हिमाचल भी बहुत बड़ा है और हर घर का अपना अपना नियम है, अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ देसी घी में जो है जीरा और लाल मिर्च डाली थी और थोड़ा सा हींग डाला था और बस यहाँ पे मैं अभी डाल दी है मैंने वो मूली और पत्ते। इनको जो है अच्छी तरह से मिक्स मैं कर लूँगी, पहले घी में थोड़ी देर मैं इसको पकाऊँगी और फिर उसके बाद जो है आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पत्ते दिखते तो ज़्यादा हैं लेकिन पक के ये थोड़े कम हो जाते हैं, तो नमक आप मतलब थोड़ा ही ऐड करें तो सही रहता है। और यहाँ पे मैंने डाला है मसाला, हल्दी और मिर्च। बस ये सब चीज़ें डालने के बाद, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे और जब ये पकेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना ये मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। और वैसे भी हरी सब्जी है तो अब जो है मौसम ठंडा होने वाला है, सर्दियों का आने वाला है, तो ये हरी सब्जियाँ ही लगेगी, साग लगेगा और ये मूली का भुज्जू, और ये बहुत टेस्टी लगता है, पालक का, आलू पालक का भुज्जू टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए, बीच बीच में चलाने के बाद ये बन गया है और करारा सा बना है, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी परांठे। तो अभी मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ और फिर आपके साथ मैं बात करूँगी बाद में। तो अभी ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी हो गया था और बर्तन भी मतलब किचन जो है क्लीन कर लिया था मैंने ब्रेकफास्ट कराने के बाद। और अभी आ गए हैं दूध वाले भैया, तो अभी मैं ले जा रही हूँ आपको उनसे मिलने के लिए। तो ये देखिए, ये हैं दूध वाले भैया और अभी ये ऊपर ही देख रहे थे कि इनको पता लग गया था कि मेरा वीडियो जो है बना रहे हैं। तो मैं हंस रही थी, भैया अगर आपका दूध आज मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी कि आप कितना अच्छा दूध हमें देते हो। तो बस यही बातचीत हो रही थी और बस फिर मैं आ गई दूध लेके अभी, और अभी मैं इसको रख दूँगी गर्म करने के लिए। और यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं कर रही थी आंटी जी से बात नीचे। तो फ्रेंड्स, दूध गर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने, देखिए, कपड़े डाल दिए हैं अभी सूखने के लिए और धूप में आंखें खुलती हैं। तो अब और क्योंकि कल जो था, कल फ्राइडे था, वैसे तो मेरे को कल कपड़े धोने थे लेकिन कल डैड
डैड जी का बर्थडे था तो इसलिए जो है कपड़े नहीं धोए हैं। जब भी बर्थडे वगैरह होता है तो हमारे यहाँ पे हम लोग मतलब उस दिन कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं, बाल नहीं धोते हैं, तो इसलिए जो है आज सैटरडे को मैंने कपड़े धो लिए हैं। तो अभी जो है काम वैसे मैक्सिमम सारा ख़त्म हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ नहाने और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करूँगी। और अभी जो है टाइम हुआ है 10 बजने वाले हैं, तो चलिए फिर अभी मैं नहा लेती हूँ और फिर नहाने के बाद जो है आपसे बात करूँगी। और अब जो है धूप थोड़ी अच्छी लगने लग गई है, वैसे तो गर्मी लगती थी धूप में, लेकिन अब धीरे धीरे जो है धूप सबको अच्छी लगने लगेगी ठंड के मौसम में, क्योंकि मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और देखिए पहले मैं रेडी हो गई थी, कॉम भी मैंने कर ली थी, फिर मैंने सोचा अच्छी तरह से जो है हेयर ऑयलिंग, डीप हेयर ऑयलिंग आज कर लेती हूँ बालों में, क्योंकि कई दिनों से जो है मैंने अच्छी तरह से बालों में तेल नहीं लगाया था, मतलब ऐसे हल्का हल्का लगा लेती थी। एक जैसे होता है ना कि नहाने से एक घंटा पहले, एक डेढ़ दो घंटा पहले हेयर ऑयलिंग करो और फिर नहा जाओ, लेकिन मैंने सोचा आज अपने बालों को अच्छी तरह ऑयल लगाऊंगी और फिर कल इनको धोऊंगी। तो कभी कभी ऐसा करना भी ज़रूरी होता है, मतलब कि थोड़ी अच्छी तरह से डीप हेयर ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है। तो अभी मैंने कर ली है हेयर ऑयलिंग और ऑयल में वही यूज़ करती हूँ जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है, जो मैंने ऑयल खुद से बनाया है वही वाला हेयर ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी हेयर ऑयलिंग हो गई है और चलिए फिर अभी मैं कॉम कर लेती हूँ, फिर आपसे बात कर लूँगी थोड़ी देर। तो डियर फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ नहा के और अभी थोड़ी देर मैं अपना कुछ काम कर लूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी लंच। अभी जो है मैं करूँगी सबसे पहले पारस की अलमारी ठीक, क्योंकि उसके जो है कुछ टी शर्ट्स वगैरह उसकी छोटी हो गई हैं और उनको जो है मतलब निकालूँगी, अलग से रखूँगी। और उसके बाद जो है बनाऊँगी मास्क और उसकी अलग से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है और आज मैं कुछ अलग तरीके से मास्क बनाऊँगी। तो ये ऑफिस जाते हैं तो मास्क की ज़रूरत तो होती है, तो अभी तो मैंने बनाए हुए थे तो वो थोड़ा मतलब ऐसे हो गए हैं अब, तो अभी मैंने सोचा चेंज कर दूँगी उनको, अभी जो है अलग से इनके लिए और बना दूँगी। तो उसकी वीडियो तो कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी आज के लिए मैं अब आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप जिस तरह सपोर्ट कर रहे हो उसी तरह सपोर्ट कीजिए। और मेरे ब्लॉग का टाइम कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो, क्योंकि अभी आपको पता ही है 3 बच्चे हैं और घर के काम, मतलब इसमें जो है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है टाइमिंग का, तो मतलब प्रॉपर टाइम पे जो है ब्लॉग नहीं जा पाता है, उसके लिए तो मैं आपको सॉरी बोल देती हूँ। तो अभी मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। बाय बाय।